नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। रक्षाबंधन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 11 अगस्त 2022 बार गुरुवार के पंचांग को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने हमारा खुश जीवन राशिफल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी वीडियोज आप तक पहुँच सकें। कमेंट बॉक्स में अपने ईष्ट भगवान यानी आराध्य भगवान का नाम आप अवश्य लिखें। आइए पंचांग शुरू करने से पहले जानते हैं आज के दिन क्या विशेष है और किन देवी देवताओं की पूजा विशेष शुभ और लाभप्रद रहेगी। आज पूर्णिमा व्रत है और आज रक्षाबंधन का पर्व भी है। आज के दिन बहनें अपने भाई के हाथों पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। अगर हम बात करें शुभ मुहूर्त को लेकर कि किस समय में रक्षा सूत्र बांधा जाना चाहिए, तो अगर हम बात करें आज की तो 8:52 से रात में और 9:15 तक रक्षा सूत्र बांधने का पर्व मनाया जाए। आइए शुरुआत करते हैं पंचांग को लेकर। वार गुरुवार, विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, माह श्रावण माह। पक्ष की बात करें शुक्ल पक्ष। तिथि चतुर्दशी तिथि। नक्षत्र उत्तराषाढ़ नक्षत्र। सुबह 6:53 तक रहेगा, उसके बाद श्रवण नक्षत्र शुरू होगा। योग आयुष्मान योग, जो कि दोपहर 3:31 तक रहेगा, उसके बाद सौभाग्य योग प्रारंभ होगा। करण की बात करें वणिज करण। आइए बात करते हैं सूर्य और चंद्र से संबंधित गणनाओं की। सूर्योदय प्रातः 5:52, सूर्यास्त शाम 7 बजे। सूर्यदेव कर्क राशि से गोचर कर रहे हैं। चंद्रोदय की बात करें तो शाम 6:56। चंद्रास्त की बात करें अगले दिन सुबह 5:43। चंद्र राशि की हम बात करें तो चंद्रदेव मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। मकर के जो स्वामी हैं वे शनिदेव हैं। आइए बात करते हैं शुभ समय की। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 4:16 से सुबह 5:04 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। अपने ईष्ट देव की आराधना, उनका मंत्र जप, मंत्र सिद्धि, स्वयं सिद्धि, अध्ययन कार्य ब्रह्म मुहूर्त में श्रेष्ठ माने गए। अभिजित की बात करें यानी कोई भी शुभ कार्य शुरू करना चाहते हैं तो आप अभिजित में भी शुरू कर सकते हैं। दोपहर 12 बजे से लेकर 12:52 तक अभिजित मुहूर्त रहने वाला है। आइए बात करते हैं दिन के चौकड़िये को लेकर कि कौन से चौकड़िये शुभ रहेंगे, कौन से अशुभ। शुरुआत करते हैं सूर्योदय से लेकर। शुभ का चौकड़िया सुबह 5:52 से सुबह 7:30 शुभ समय है। शुभ के बाद रोग 7:30 से 9:09 अशुभ चौकड़िया है। रोग के बाद उद्वेग 9:09 से 10:47 उद्वेग का चौकड़िया अशुभ है। उद्वेग के बाद चर 10:47 से दोपहर 12:26 सामान्य समय है। चर के बाद लाभ 12:26 से दोपहर 2:04 शुभ समय है। लाभ के बाद अमृत 2:04 से लेकर 3:43 तक रहने वाला है। अमृत का चौकड़िया भी शुभ है। अमृत के बाद काल 3:43 से शाम 5:21 अशुभ चौकड़िया है। काल के बाद शुभ शाम 5:21 से और शाम 7 बजे तक रहने वाला है। इन सभी चौकड़ियों में शुभ, लाभ और अमृत, ये तीनों समय शुभ हैं। रोग काल और उद्वेग इन्हें अशुभ समय माना है। बात करते हैं शुभ समय राहु काल और गुलिक काल को लेकर। ज्योतिष शास्त्र में दोनों समय को अत्यंत अशुभ माना है। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य, कोई भी शुभ कार्य इन समय में शुरू न करें। राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। गुलिक काल सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 तक रहेगा। बात करते हैं दिशाशूल यानी आज के दिन किस दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो आज के दिन का दिशाशूल है दक्षिण दिशा। फिर भी जातक अगर दक्षिण दिशा में यात्रा कर रहा है तो यात्रा करने से पहले दही का सेवन अवश्य करें ताकि यात्रा के अशुभ फल प्राप्त न हो। आइए बात करते हैं चंद्रबल यानी आज कौन कौन सी राशि शुभ रहने वाली है, किन राशि वालों को आज एडवांटेज मिलने वाला है। बात करें मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि और मीन राशि, ये सभी राशियां आज शुभ राशियां रहने वाली हैं। आइए बात करते हैं आज जो भी जातक जन्म लेंगे उनकी जन्म राशि, राशि स्वामी, नाम अक्षर और जन्म पाएगी। तो आज अगर हम बात करें जो भी जातक जन्म लेंगे उनकी मकर राशि रहने वाली है। मकर राशि के जो स्वामी हैं उनकी बात करें वे शनिदेव रहने वाले हैं। नामाक्षर की बात करें तो नामाक्षर रहेंगे जी, खी, खू, खे और खो। जन्म पाया की बात करें कि आज जो भी जातक जन्म लेंगे उनका क्या जन्म पाया रहने वाला है, तो उनका सभी का ताम्र का जन्म पाया रहने वाला है। धन्यवाद।